नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। विश्व डाक दिवस या कहें वर्ल्ड पोस्ट डे दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आखिर 9 तारीख को ही विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। इस तारीख को 1969 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीए कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रूप में आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया था। डाक पद्धति को संचार के सबसे पुराने साधन के रूप में जाना जाता है। दुनिया में यह सेवा काफी लंबे समय से चली आ रही है। भले ही वर्तमान में हमारे पास संचार के नए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन संचार पद्धति के लिए ये लोगों को उस समय की याद दिलाता है जब लोग पत्रों का आदान प्रदान करते थे। दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाने के लिए आखिर 9 तारीख ही क्यों चुनी गई और इसके पीछे का मकसद क्या था, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं 1840 से। इंग्लैंड में सर रोलैंड हिल ने इस संदर्भ में एक प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से पत्रों के पोस्ट किए जाने की शुरुआत की गई थी। इस पर शुल्क भी वसूला गया। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर किए जाने वाले सभी पत्रों पर दूरी के आधार पर शुल्क लिए जाते थे। 1863 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्टमास्टर जनरल मॉन्टगोमरी ब्लेयर ने पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 15 यूरोपीय और अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ पर पोस्टल सेवा से जुड़े कई सारे अहम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श हुआ, लेकिन इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय डाक समझौते के लिए कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सका। लेकिन 1874 में हेनरिक वॉन स्टेफॉन, जो कि उत्तर जर्मन परिसंघ के एक वरिष्ठ डाक अधिकारी थे, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय डाक यूनियन के लिए एक योजना तैयार की। उनके सुझाव के आधार पर स्विस सरकार ने 15 सितंबर 1874 को बर्न में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 22 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसी साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस की शुरुआत जनरल पोस्टल यूनियन के द्वारा की गई। 1978 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया और इस तरह से तब से लेकर अब तक 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसे मनाती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि तब के दौर में संचार का माध्यम कैसा था और आज का दौर कैसा है। आपके लिए खुशी की बात है कि जिस दौर में हम और आप हैं, फोन और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान हो गया है, लेकिन तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।